भंडार बोलिए ना सर, भंडार सर एक ही है, भंडार बोलिए ना, लेके बाकी सब हीरोइन सर। बेसिकली जैसे अभी ये आप बोलेंगे वो डर रही है, अभी भी डरी डरी सी है, तो डरेगी तो सही, बेचारे विक्रम के बराबर में बैठी है। तो विक्रम से तो वैसे ही डरती थी शूट पे भी, तो ये है, तो बहुत डराया इन्होंने मुझे तो। फिल्म तुम्हारे शॉट्स अच्छे आए हैं, फिल्म में चार सर ने इतना सपोर्ट किया है, इतना सिखाया है कि थैंक यू सो मच सर। फिल्म में जैसे टोटल एक 10 लोगों की कहानी है, तो उसमें 4 लड़कियां हैं तो 6 लड़के हैं, उसमें 2 बेचारे जो बिना गर्लफ्रेंड के हैं वो आजू बाजू ऐसे कॉर्नर पे बैठा रखे हैं। तो कहानी जैसे नाम है सस्पेंस, वैसे ही कहानी है, ऑब्वियसली सस्पेंस ही है, बहुत ही ज्यादा सस्पेंस है, बहुत ज्यादा सस्पेंस है। हर एक जगह पे सस्पेंस है, हर एक सीन में सस्पेंस है, हर इज फॉर श्योर। अगर शुरू के 6 सीन छोड़ दें तो उसके बाद सस्पेंस ही सस्पेंस है, 6 सीन तक सबको मस्ती करने को दी, उसके बाद फिर सस्पेंस चला है, और लास्ट मोमेंट तक इस फिल्म में सस्पेंस है। बाकी कास्टिंग में जैसा कि मैंने अपने हिसाब से तो अच्छी कास्टिंग की, थैंक टू मिस्टर राजेश की, उन्होंने विक्रम जी से और अंतरा से मेरी इंट्रोडक्शन कराया था, और उसके बाद हम लोगों ने काम किया और आज बहुत अच्छी हमारी दोस्ती भी हो गई है दोनों से, और कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो वी फील एंड वी वांट कि हम लोग आगे चल के भी और काम करें एक साथ। मतलब बेसिकली एक फैमिली से बन गए हम लोग आज, अच्छे रिलेशन से फैमिली रहे। Exactly. शूट करते वक्त कभी लगा नहीं कि you know, we are shooting for a film or something. But this film is about like क्या? It's about love, it's about betrayal. अब suspense है तो देखिए love तो होगा ही होगा, और 4 लड़कियां हैं तो love तो automatically होना चाहिए। पैसे के बारे में क्या-क्या? और love भी है, romance भी है, और suspense भी है, और horror भी है, चारों ही चीजें। नए लोगों के साथ देखिए फायदा तो यंग के साथ जो सबसे बड़ा फायदा है न्यू फेसेस के साथ वो ये है कि एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, क्योंकि दोनों ही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे ही होगा, तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आर्टिस्टों के एक्टरों के नखरे नहीं झेलने पड़ते, नए बेचारे नखरे नहीं करते क्योंकि पहले ही शुरुआत कर रहे हैं, वरना यहाँ जिसने 2-3 फिल्में कर ली उनका जो एटीट्यूड होता है खासकर लड़कियों का बहुत ही ज़्यादा, कि शूट करने आए हैं तो कभी टाइम पर नहीं आना, मेकअप में लेट करना, शॉट रेडी है तो वो फोन पे लगे हुए हैं, तो एक एटीट्यूड नहीं मुझे लगता है एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा होता है व्हेन वी वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज़ एनीथिंग, कोई एक्टर या फिर कोई आप लोग में भी अगर जब आपने पहला काम शुरू किया होगा तो वो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक रहते हैं लोग, सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द प्लस पॉइंट ऑफ अजय सर। उस माहौल का ये था कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों ही हूँ, तो मेरे को जब डायरेक्शन करना होता था तो वहाँ सीन पे सोचता था, और सीन करने के बाद सेटिंग में जल्दी काम कराने के चक्कर पैसा मेरा लग रहा है तो मैं उधर माइंड को रखता था, तो ध्यान ही नहीं गया कि कौन सी लड़की शॉट देके कहाँ चली गई, कहाँ बैठी है, किसके साथ कौन हीरो बैठा है, कौन लड़की बैठी है, तो वो सब तो और लोग देखते थे, मैं तो बेचारा काम में लगा रहता था। हाँ वो हीरो मुझे लगा शायद मुझसे पूछ रहे हो ये। फर्स्ट ऑफ ऑल द अदर हीरोइन जो है उनके साथ मेरा कॉम्बिनेशन सीन्स बहुत कम है, तो वो जब शूट करती थी तो मैं शूट नहीं करती थी, व्हेन आई वाज शूटिंग शी वाज नॉट शूटिंग, सो जब भी 1-2 दिन हम लोगों ने शूट किया एक साथ वो बहुत बढ़िया रहा। इट वाज सर आपके बारे में बताइए, एक्चुअली गिव योर इंट्रोडक्शन एंड योर कैरेक्टर। हाय मेरा नाम है राज टुका एंड आई वुड लाइक थैंक्स टू अजय सर, एंड बिफोर सेइंग एनीथिंग अबाउट दिस मूवी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सैनिक शहीदों के लिए जो पुलवामा में हमारे 14 फरवरी को 40 भाई लोग जो जिनके साथ दहशतगर्दों ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे देश को शर्मसार किया, और हमारी मूवी जो है
इट वॉज गोइंग टू रिलीज ऑन 15 फेब फिर हम लोगों ने भव्य श्रद्धांजलि देते हुए इसको डेट को आगे किया. तो सबसे पहले मैं दिल से और उन माताओं को, पिताओं को, बहनों को, बच्चों को दिल से दुआ देता हूँ कि वो भगवान उनको थोड़ा शांति दे और उनको बनाए रखे, स्टेबल बनाए रखे. एंड देखिए इस मूवी में मेरा नाम है राज डोगरा, सेम माय रियल नेम इज आल्सो राज डोगरा एंड आई एम आल्सो प्लेइंग द कैरेक्टर इन द नेम ऑफ राज एंड दिस इज अ सस्पेंस मूवी एंड आई एम प्लेइंग दिस काइंड ऑफ जॉली काइंड ऑफ नेचर कैरेक्टर. सो चार यंग लोगों की कहानी है जो पिकनिक पे जाते हैं, देन स्पॉट पे जो भी होता है, सस्पेंस, थ्रिलर. सो आई कैन नॉट ब्रीफ ऑन दिस, बट दिस अ वेरी गुड एंड हॉरर काइंड ऑफ सस्पेंस मूवी. And I would like request to all of you that please go to your nearest theaters and please give us your love and please please watch and this is I'm so much excited because this is my first debut movie. Before that I have done one short movie and few albums and I'm also a trained actor. So now this time's this is a kind of you know, this is a 10th standard examination for me. This platform will be decide that where I will go. नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी कुमार है और प्रोफेशनल एक्टिंग करते हुए मुझे कम से कम 15 साल हो गए. थिएटर से बिलोंग करता हूँ, एनएसजी रेपेट्री, बेरी जॉन, रॉस्टेन एबल, दिलीप शंकर, लुशन दुबे, इन सब लोगों के साथ काम कर चुका हूँ. पहली फिल्म दिवाकर बनर्जी ने ब्रेक दिया था वो लकी लकी हुए एंड उसमें मैंने केमियो किया था. एंड दूसरी फिल्म थी दिल्ली 6 राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी के साथ. दो फिल्में मेरी और रिलीज हैं एंड ये अब इस फिल्म पे आते हैं. हम लोग सस्पेंस एक हम लोगों ने फिल्म किया, सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है. अजय सर ने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है फिल्म को. और इस फिल्म में मेरे करेक्टर का नाम है अभिषेक. कुछ दोस्त हैं जो जाते हैं घूमने के लिए और वहाँ उनके साथ कैसी कैसी घटनाएँ होती हैं कि करके मरते रहते हैं, इस तरह से कुछ इस तरह की कहानी है और बहुत अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की है. मुझे आशा है पूरी कि आप सब लोगों को पसंद आएगी. अजय, फिल्म में हीरो है, हीरोइन है, डेफिनेटली रोमांस है तो रोमांस होगा, तो म्यूजिक भी इस तरह का, तो कुछ म्यूजिक से रिलेटेड कुछ बात करना चाहोगे, कितने गाने हैं, किस प्रकार के? जी फिल्म में 3 गाने हैं और एक प्रमोशनल सॉन्ग है, पार्टी सॉन्ग चल गई, एक रोमांटिक सॉन्ग है और एक सेड्यूसिंग सॉन्ग है विक्रम और अंतरा के ऊपर. It's also a romantic song. काफी चला है. Yeah, it's named as Libas. अच्छे views मिले हैं. Yeah. और fortunately मेरे साथ Mr. DJ Raj हैं जिन्होंने अभी गाना remix किया है. Yeah, Raj, please come. तो इन्होंने उस गाने को अभी remix किया है जो कल करेंगे. यहाँ जो Raj ऊपर. He's trying to hide.